जी हाँ, बात आज हो रही है उस मुद्दे की जिसको लेकर देश की नजरें दो राज्यों पर जाकर टिक गई हैं। दो राज्य नहीं बल्कि तीन राज्य होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे तीन राज्य क्यों, बात तो महाराष्ट्र और हरियाणा की होनी चाहिए, तो फिर तीन राज्यों का जिक्र क्यों? तो यूपी में भी इस वक्त उपचुनाव चल रहा है और उसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। बड़े बड़े झटके बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहे हैं और उन बड़े झटकों का जिक्र इस लिहाज से समझिए, जहां एक तरफ हरियाणा है जहां 75 पार का नारा था, इस बार सरकार बनाने के भी लाले पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र, जहां पर बड़े भैया और छोटे भैया का खेल था कि बड़ा कौन छोटा कौन, और ऐसे में अब छोटे भैया ने भी नतीजों के बाद रुझानों को देखते ही आंखें दिखाना शुरू कर दिया कि भले ही नतीजे छोटे हों लेकिन उसका एहसास बड़ा है। अब बात शिवसेना और दूसरी तरफ बीजेपी की कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि चाय पर चर्चा बड़े बड़े स्टूडियो से बाहर निकलकर आखिरकार चाय पर चर्चा क्यों? कुछ देर पहले भी लगातार हम इसी चाय पर चर्चा कर रहे थे, उससे सीधा संकेत और संदेश यही था हमारा कि चाय पर चर्चा का मकसद इतना ही कि भैया देश का मिजाज यहीं से तय होता है और इस जनादेश का मतलब मूड मिजाज क्या है देश के लिए, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं उनसे हम आपको रूबरू करवा देते हैं। ए के मिश्रा वो राजनीतिक विशेषक हैं जो सटीक भविष्यवाणियां करते हैं और एक भविष्यवाणी कल NUBT पर उन्होंने की थी। वो भविष्यवाणी अगर आपने नहीं देखी तो वो बताते हैं हम आपको। इन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि इस बार महाराष्ट्र में शिवसेना एक बड़ा गेम खेलेगी। वो भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक साबित हुई। एक भविष्यवाणी इन्होंने हरियाणा को लेकर की थी, जहां पर इन्होंने कहा था सिर्फ इकलौते ऐसे राजनीतिक विशेषक जो कह रहे थे कि हरियाणा में इस बार पेच फंसना तय है, और हुआ भी यही। और इसके साथ साथ एक और बड़ी भविष्यवाणी इन्होंने की है कि अब यहां से भाजपा के लिए अगर वो अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं करती तो उल्टी गिनती की शुरुआत भी होती है। AK मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस समर्थक भी हैं, राजनीतिक विशेषक भी हैं। समृद्धि हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, जो बड़ी खबरें आएंगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फटाफट सबसे पहले जो हमारे दर्शक इस वक्त NUBT पर जुड़े हुए हैं उनको हम ये बता देते हैं कि हरियाणा में इस वक्त जो 90 सीटों पर रुझान आ रहे हैं, बीजेपी 41 सीटों पर है, कांग्रेस 31 सीटों पर, अब 32 पर हो गई है, कांग्रेस 32 पर रुझान में आगे हो गई है, JGP 10 सीटों पर, नई नवेली पार्टी और अन्य के खाते में 8, यानी कि रुझानों के हिसाब से इस वक्त हरियाणा में किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन खट्टर कह रहे हैं कि सरकार हम ही बनाएंगे, बीजेपी एक्टिव हो चुकी है। महाराष्ट्र का जिक्र जल्दी से कर लेते हैं, 163 सीटों पर बीजेपी प्लस दिखाई दे रही है, बीजेपी 104, शिवसेना 59 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 99 सीटों पर प्लस में दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्लस जिसका जिक्र हम लगातार NCP प्लस कर रहे हैं, NCP प्लस इसलिए क्योंकि NCP 53 सीटों पर है बढ़त में और कांग्रेस 41 सीटों पर, तो इसलिए NCP प्लस कहना ज़्यादा तकनीकी रूप से बेहतर होगा, अन्य 26 के खाते में। सबसे पहले AK मिश्रा आपके पास हमारे, समृद्धि लगता है कोई बड़ी खबर देना चाह रही है, जल्दी। इससे पहले कुछ आप बोले, मैं ये बताना चाहूँगा बीजेपी के सूत्रों से हवाले की ये खबर आ रही है कि बीजेपी ने अपने सभी प्रवक्ताओं से कहा है कि TV डिबेट्स में JJP का कोई विरोध ना करें अभी, क्योंकि उनके साथ बैठक होने वाली है, और जबकि दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं अभी उनके साथ कोई संपर्क ही नहीं कर रहा है। तो यानी कि अब TV डिबेट्स में सीधे तौर पर कह दिया गया है कि भैया थोड़ा नरम होके, JGP के पास सत्ता की चाबी है और चाबी उन्हीं से हमें लेनी है, तो ऐसे में आंखें मत दिखाइएगा वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। तो यानी सीधे तौर पर बीजेपी एक्टिव हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस कितना एक्टिव है ये भी एक बड़ा सवाल है। मगर इसके संदेश क्या है, जिस जनादेश के संकेत क्या है, संदेश क्या है? AK मिश्रा सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, और वाकई में गजब का गणित है आपका, गजब। चावला जी थैंक यू। देखिए हम लोग तो फॉर्मली देखा जाए तो मार्केटिंग वगैरह के स्टूडेंट रहे हैं, तो मार्केट रिसर्च का हम लोगों की एक्सपर्टाइज रही है। यहाँ पे एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ और चैनल्स जो करोड़ों रुपए खर्च करके ये सर्वे करती हैं वो गलत कैसे हो गई हैं। देखिए इसका एक तरीका आप देख लीजिए, कंपनियाँ करती क्या है, जा करके 100,000, 10,000 जो भी उनका सैम्पल साइज़ होता है, मैक्सिमम 50,000 से ज़्यादा की रिपोर्ट नहीं मिली, उनसे पूछते हैं कि भाई आप किसको वोट दोगे, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। इसमें एक वोटर क्लास ऐसा होता है जहाँ तक या तो वो पहुँच नहीं पाते हैं या वो वोटर खुद ही डिसाइडेड नहीं रहता है हम किसको देंगे, या आपने 5 दिन पहले सर्वे किया है तो 5 दिन के बाद उसका डिसीजन बदल जाता है।
यही ये चीज़ें रही हैं जिसके कारण सर्वे में सारे के सारे चैनल बहुत अच्छे रिजल्ट दिखा रहे थे। लेकिन आप ही के साथ मैंने चर्चा की थी तो मैंने ये बोला था कि दोनों ही स्टेट में हंग वाली अगर जो सिचुएशन होती है, भले ही उसके चांसेस कम दिख रहे हो उस वक्त, लेकिन उस पर डिबेट करना, डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने बोला था मुझे लगता है कि ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, और ऐसी हो जाएगी तो मैंने आपको महाराष्ट्र के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा मुद्दा होगा मुख्यमंत्री कौन बने। देखिए शिवसेना ने बोल दिया ना ढाई साल, मैं फिर बोलता हूँ कि अगर इस पर कोई समझौता होता है ढाई साल पे, तो आप मान लीजिए शिवसेना चाहेगी कि पहले आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बने, ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। आप हरियाणा में देखिए तो मैंने एक लफ्ज़ बोला था, एक मैंने लाइन बोली थी कि कहीं ना कहीं जाट वर्सेस अदर की लड़ाई में वहाँ पे जाट कौम ने साइलेंटली जो है वो इधर से उधर शिफ्ट हो गए। तीसरा रीज़न मैंने आपको ये बताया था, जो 10-12% की वोटिंग नहीं हुई है ये बीजेपी के अगेंस्ट जा सकती है, क्योंकि पिछली बार अगर वोटर ज़्यादा निकले थे तो बीजेपी के कारण निकले थे, अब ये न्यूट्रल क्यों हो गए, ये शिफ्टिंग वोटर हैं जो कभी वोट इधर से उधर कर देते हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर थे जो साइकोसोमेटिक, मैं बोलता हूँ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो होता है उसको समझना बड़ा मुश्किल। बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊँ, बड़ी ब्रेकिंग पहले जल्दी। हरियाणा चुनाव से ये आ रहा है कि कांग्रेस ने समर्थन के लिए जेजेपी से संपर्क किया है और उनको ऑफर दिया है डिप्टी सीएम के लिए, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे डिप्टी सीएम के लिए ऑफर दिया है, अब ऐसी खबरें भी आ रही हैं। और जो दुष्यंत चौटाला का कहना है कि उनकी पार्टी नई सरकार बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है। ये बड़ी बड़ी खबर आ रही है, यानी कि एक खुले तौर पर ऑफर दे दिया जिसके संकेत और संदेश पहले ही मिले थे, लेकिन दुष्यंत चौटाला सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सीएम पद से कम पर नहीं। अंसारी साहब आपने शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने मनोबल बढ़ाया हमारा। सुमन सैफी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव कह रहे हैं बहुत बेहतरीन बहुत शानदार, आपका भी राजीव बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक कोशिश एक मुहिम है हमारी, दरअसल इस सड़क के जरिए ही संसद तक पहुंचते हैं लोग, तो क्यों ना इसी चाय की दुकान पर ही देश का मिजाज समझे जो नजर सामने आ रहा है। एके मिश्रा, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, अब क्या यहां पर आपको दिखाई दे रहा है बीजेपी 40 कांग्रेस 31 और अन्य 19 के आपके पास है, यानी जेजेपी के पास पूरी तरह से चाबी है सत्ता की। मैं आपको बताऊं, अगर ये रिजल्ट फाइनल रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया, हालांकि अभी भी मैं इसको फाइनल नहीं मानता हूं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मान लिया जाए तो यहाँ पे ऐसे दलों की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देखिए जेजेपी कांग्रेस ने तो सबसे पहले बोल दिया था, सुबह ही बोल दिया था 12 बजे कि भाई हम जो है इनके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं बिना किसी शर्त के। कर्नाटक में भी यही हुआ था। देखिए कांग्रेस और विपक्षी दलों का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कैसे भी करके बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा जाए, इसके लिए ये कुछ भी कर लेंगे। शिवसेना का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, मैंने आपको बोला था वोटिंग हो जाने दीजिए, वोटिंग के बाद जब रिजल्ट आने शुरू होंगे तो लोग कैसे बदलेंगे। आज देखिए शिवसेना ने क्या किया, आंखें दिखाना, अपने मुद्दे को आगे करना शुरू कर दिया है। सारी पार्टियां अपने अपने हित को साधने के लिए, चाहे जेजेपी हो, जेजेपी बेस्ट बार्गेन के कंडीशन में रहेगी, उसको बेस्ट बेनिफिट जेजेपी जा सकती है वहां से, वो बोलेगी कि हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हालांकि बीजेपी ऐसा करेगी नहीं, लेकिन जिनको जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसीलिए अभी कोई खुल के नहीं बोल रहा है। फाइनल रिजल्ट आ जाने दीजिए शाम को 5-6 बजे तक के बाद, और ये ऐसा नहीं है कि कल ये मामला शांत हो जाएगा, असली चुनावी जोड़ तोड़ गणित तो अब शुरू होगी, और 4-5 दिन तक आप देखिएगा क्या होगा। खबरें वैसे ही आएंगी कि सारे निर्दलीय उम्मीदवार एक होटल में किसी पार्टी ने रखे हैं, कहां गए पता नहीं, क्योंकि एक देखिए इसमें फिर भी मैं बोलता हूं बीजेपी के पास चांसेस ज़्यादा हैं। रीज़न ये है कि एक कॉन्टिनजेंसी प्लान, इमरजेंसी प्लान बीजेपी हमेशा बना के रखती है। आप देखिए अमित शाह जी ITBP की जो वहाँ पे उनको उद्घाटन करना था, संबोधन करना था, वो छोड़ के आ गए। सेंसिटिविटी को समझिए कि ये मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट हो गया है कि अमित शाह जी छोड़ के आ गए, मनोहर लाल खट्टर जी को दिल्ली में बुला लिया गया, उधर शिवसेना ने भी अपनी लॉबिंग शुरू कर दी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ में, और हम लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए, अब देखिए क्या होता है। अब लोकतंत्र की बात करने वाली जितनी पार्टियां हैं, अब देखना ये है कि लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है, आप सारी पार्टियों का बस देखते जाइए। ठीक है, दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और साथ ही साथ दरअसल कांग्रेस के करीबी भी हैं, और सुबह से नॉनस्टॉप इसी चाय की दुकान से हमारी ये कवरेज जारी है और लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं, और 2:50 का वक्त हो रहा है NUBT की घड़ी में, और दिल की धड़कने कांग्रेसियों की भी भरी हुई हैं। दीपक उसी सवाल से आ रहा हूँ जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था, पल्स रेट ठीक हुआ क्या? वो तो हमेशा बढ़ता जा रहा है, एक एक सीट बढ़ती जा रही है कांग्रेस की। तो एक चीज़ देखिए, इलेक्शन रिजल्ट का एक चीज़ बड़ा क्लियर आप मैसेज है कि जनता ने बीजेपी को रिएक्ट किया है, आपको कबूल किया है।
नहीं, हम अगर उनको रिजेक्ट किया तो हमें कबूल किया ना, कहाँ किया, दोनों में से एक को तो कबूल किया है, तभी के मिश्रा एक नहीं। देखिए क्या है, यहाँ पे जनता ने ना किसी को सेलेक्ट किया ना रिजेक्ट किया, यहाँ हुआ ये कांग्रेस को जो बेनिफिट मिला है ये थोड़ा क्रिटिकल अप्रोच है, वो बीजेपी की कमियों के कारण ऑटोमेटिक नेचुरल बेनिफिट उनकी तरफ शिफ्ट हो गया। अगर कांग्रेस को अपनी मेहनत का परिणाम मिला होता, इन्होंने ठीक से किया होता ना, तो शायद ये क्लियर कट बहुमत ले आते। जितनी भी पार्टियां जैसे जेजेपी वगैरह भी है, अगर इन्होंने अच्छे से किया होता तो 10 की जगह आज 25, 30, 40 सीट ये ले आते, इन्होंने बहुत हल्के में लिया। मैं हमेशा बोलता हूं किसी एक पार्टी की जो कमजोरी होती है वो दूसरी पार्टी के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा बन जाती है, तो कांग्रेस के साथ यही हुआ है यहाँ पे। इसको मैं ये नहीं मानता हूँ कि कांग्रेस ने बहुत स्ट्रेटजिक तरीके से मैनेज किया, ये उसका रिजल्ट है, ये बीजेपी की कमजोरी, ये जो सारा रिजल्ट आया है मेन मैसेज ये है कि ये बीजेपी की कमजोरी है। बीजेपी को आत्मचिंतन करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए कि ऐसा हो क्यों गया। कांग्रेस को चिंता नहीं करनी चाहिए कि भैया मौका था, हम चौका भी नहीं मार पाए। चिंता तो सब, वही तो मैं बोल रहा हूँ, चिंता तो कांग्रेस को भी करना चाहिए था कि अगर हम थोड़ा और अच्छे तरीके से, थोड़ा और पहले से अगर हमने काम किया होता तो हो सकता है जो 30 पे अटके हुए हैं वो हम 50 बड़े आराम से। मैं हर बार बोलता हूं कि हर इलेक्शन विपक्ष के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। महीने भर पहले से काम करने पे ये होगा कि जो आपको मिल गया, आपके जो राइवल हैं उनकी कमजोरी के कारण जो आपके खाते में जो सीटें आ गई वो आ गई, अगर उन्होंने अच्छे से काम किया होता तो सीन कुछ और होता, स्पेशली कांग्रेस के लिए। आप इस वक्त ये लाइव चर्चा देख रहे हैं एके मिश्रा का अपना राजनीतिक ज्ञान, और उसी ज्ञान के हिसाब से सब कुछ भविष्यवाणी सटीक साबित होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि कल कुछ घंटे पहले बड़े बड़े राजनीतिक पंडित धुरंधर भविष्यवाणियां करके फेल हो गए, वहां एके मिश्रा इस वक्त हिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने राजनीतिक ज्ञान की वजह से। इस वक्त बिल्कुल अपडेट बताइए जल्दी से। डीएस हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवारों पर दबाव डाल रही है, जबकि उनमें से ज्यादातर लोग कांग्रेस के समर्थन में है, तो जहां अभी दोनों का चांस चल रहा था कि बीजेपी या फिर एक और बड़ी खबर, अठावले कह रहे हैं कि हम आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम बना दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ढाई ढाई साल के फॉर्मूले पर किसी भी तरह हम राजी नहीं होंगे। और उद्धव ठाकरे 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, चुनावी नतीजों पर बोलेंगे उद्धव ठाकरे, ये क्या संकेत है के मिश्रा? नहीं, संकेत यही है कि कोई भी झुकना नहीं चाहता है। देखिए, अगर सीएम पद बीजेपी को छोड़ के किसी और को चला गया तो भले ही बीजेपी जीती हो या सरकार बनाए, इसको मैं बीजेपी की हार मानूंगा। मैंने कल भी बोला था कि बीजेपी अगर 50-55 सीट भी ले आती है, क्लियरली क्लियर कट मेजॉरिटी ले आती है, तो भी मैं बीजेपी की उसको हार मानूंगा। कारण ये है, बीजेपी का कॉम्पिटिशन खुद बीजेपी के पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट परफॉर्मेंस से है। इन्होंने 75 का रखा था, मैंने बोला 75 आप छोड़ दीजिए, आप 50-52-48 ले आइए ताकि क्लियर कट मेजॉरिटी आ जाए, वो नहीं आई। तो कमी तो बीजेपी में हुई ना, चाहे वो लोगों के मनोभावों को भांप नहीं पाई, उनके एजेंडे जो है लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, या पास्ट की और भी गलतियों के कारण, कमियों के कारण जो लोग दूसरी तरफ जाकर के वोट दे दिए, तो ये सारे के सारे माहौल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, मैं समझता हूँ अगर बीजेपी आत्ममंथन करेगी तो बीजेपी ने गंवा दिया। बड़े आराम से वो चीज़ों को समझ नहीं पाए, ये चीज़ें, ये वोट, ये सीट्स थी तो बीजेपी की पहले, लेकिन वो उसको मैनेज नहीं कर पाए अपने साथ होल्ड करके आगे ले चलने के लिए, इसीलिए ये दूसरों के खाते में चले गए। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं, ये किसी विपक्षी पार्टी की खालिस मेहनत का परिणाम नहीं है, जो उनकी सीट में बढ़ोतरी हुई है वो उनके राइवल बीजेपी की बड़े आराम से की गई गलतियों का परिणाम है कि वोट इधर से उधर शिफ्ट हो गया। नहीं तो फिर दीपक, आपको ये लग रहा है कि इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी हम ले आए, कुल मिला के ये हुआ ना? खुश तो है आप? खुश तो है सर, जीत रहे, यही उम्मीद थी? उम्मीद थी कि 33 भी आ जाएंगे? नहीं नहीं, उम्मीद तो रुझान की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, देखिए अगर आप लोग पहले से अगर थोड़ा बहुत वो है तो आप, ये तो था ही कि अगर बीजेपी का बेस कम तो होना ही था। अगर आप अंडर करंट देखिए लोगों की, अगर नब चटोलने की, सर नब वही, आप क्यों नहीं टटोल पाए? क्यों नहीं टटोले? आप ये कहिए कि केवल सर जो आप, सर आप एनसीपी को कह रहे थे, आपने एक भी संयुक्त रैली नहीं की, एक भी साझा रैली नहीं की, एनसीपी आपसे ज़्यादा है, ये टेक्निकली तो गलत दिखा रहे हैं हम कांग्रेस प्लस कह रहे हैं, वो एनसीपी प्लस है साहब, एनसीपी बढ़िया है। एक सबसे बड़ी गलती, देखिए चावला जी मैं आपको बताऊं, आज सारी बीजेपी को छोड़ के सारी विपक्ष पार्टियां एक दूसरे से बड़ा मोह माया दिखा रही हैं, मतलब झप्पी डाल रही हैं, गले मिल रहे हैं, हम एक हैं, ये हैं। यही क्वेश्चन इनसे पूछिए कि यही समझदारी आपने चुनाव के पहले दिखाई होती तो आपकी क्लियर कट मेजॉरिटी रही होती, लेकिन चुनाव के पहले आप एक नहीं हो पाए। अब तो ठीक है, मौके का फ़ायदा लेने के लिए ये बोल रहे हैं हम एक हैं, लेकिन अभी देखिए जो भी डिसीजन मेकर होगा वो किसकी झोली में जाके गिरेगा, वो अपने पार्टी के हिसाब से मैक्सिमम फ़ायदा लेने की कोशिश करेगा, चाहे शिवसेना हो चाहे जेजेपी हो। ये फैक्टर का जिक्र कर रहे हैं। समृद्धि क्या खबर?
सर कोई खबर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे नेता लोग बहुत ट्वीट्स कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ लोगों के ट्वीट्स बताना चाहूंगी। कमलनाथ, सीएम कमलनाथ जी का कहना है कि कांग्रेस और सच्चाई का समर्थन करने के लिए झाबुआ की जनता का धन्यवाद देना चाहते हैं। वहीं आरजेडी का नेता कह रहे हैं कि धनतेरस पर पूरा देश धातु से बनी चीजें खरीदेगा, तो वहीं मोटा भाई अमित शाह एमएलए खरीदेंगे। ये बहुत रोचक है। और वहीं टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का ने ट्वीट किया है कि अगली बार मैं और ज्यादा मेहनत करने की। अच्छा मैडम, चुनाव हार गई सबसे ज्यादा समृद्धि इसी बात को लेकर दुखी है, क्योंकि इन्होंने स्पेशल स्टोरी की थी टिकटॉक वाली मैडम के ऊपर, इसलिए वो चुनाव हार गई, इसलिए ज्यादा दुखी है। खैर, लेकिन मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। अब कहां आपको हरियाणा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और इस जनादेश के सीधे तौर पर मायने क्या है? देखिए, बड़ा लॉन्ग लास्टिंग दूरगामी परिणाम होगा। सारी पार्टियों को ये समझना पड़ेगा कि देश और जनता का जो है मूड ये जो है बदल चुका है, और बीजेपी भी इसको बहुत सीरियसली लेगी। इन चुनावों का परिणाम दूसरे जगहों पे जो चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली झारखंड वगैरह पे, या पूरे देश की जनता पे पड़ेगा, एक मैसेज जाएगा। और देखिएगा, सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और उसके प्रवक्तागण ऑलरेडी अभी से वो प्रेशर में आ गए हैं कि भाई क्या जवाब दे। 75 प्लस का अति महत्वाकांक्षी जो आपने नारा दिया था वो आप टच नहीं कर पाए हैं, तो क्या जवाब दें? और ये चीज़ कॉन्टिन्यू रहेगी, और इस सदमे से उभरने के लिए अब बीजेपी हो सकता है वो उभर जाए, लेकिन इतने जल्दी नहीं होगा। इनको जवाब देना भारी पड़ेगा, क्योंकि इस ये जो अभी चेंज आया है ये दिखाता है कि आपके पीछे के कामों को लेके जनता असमंजस में है। जनता लगभग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आपके नारों को, आपके वादों को, आपके मुद्दों को नहीं कर रही है। तो अब इनको पूरी अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, अपने प्रेफरेंसेस को बदलना पड़ेगा कि मुद्दे क्या हों, नारे क्या हों। और ये परिवर्तन आप देखेंगे बीजेपी में, जो सबसे ज़बरदस्त परिवर्तन आएगा वो आमूलचूल परिवर्तन ये आएगा कि कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी भी शिफ्ट होगी। आइडियोलॉजी क्या शिफ्ट होगी? राष्ट्रवाद पे क्या ये समझौता कर लेंगे? आइडियोलॉजी दो तरीके की होती है। राष्ट्रवाद पे तो समझौता किसी को नहीं करना चाहिए, हमें, आप, बीजेपी, कांग्रेस को, किसी को नहीं। मैं क्योंकि एक विपक्ष का कहना है बीजेपी का राष्ट्रवाद अलग है और देश का राष्ट्रवाद अलग है। मैं आपको बता रहा हूँ, राष्ट्रवाद एक ही होता है ना, वो बीजेपी का होता है ना, कांग्रेस का होता है ना, किसी इंडिविजुअल आदमी का होता है। उस पर हम फिर कभी डिबेट करेंगे कि राष्ट्रवाद हमेशा एक ही तरीके का, हजारों साल पहले भी राष्ट्रवाद एक ही तरीके का था, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बीजेपी क्या करेगी, इनकी आइडियोलॉजी में देखिए दो तरीके की आइडियोलॉजी होती है। जैसे एक एकदम फिक्स आइडियोलॉजी है, जो मूलभूत आधारभूत आइडियोलॉजी है वो चेंज नहीं होगी, लेकिन बीजेपी अब कोशिश ये करेगी कि जो ये बोले उसको वो डिलीवर करें। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने किया था वो डिलीवर नहीं कर पाए। देखिए, कांग्रेस क्यों हारी थी 2014 में? घोटाले पे घोटाले हो रहे थे, लेकिन किसी ने कंडेम भी नहीं किया कि ये गलत हो रहे हैं, उसको बीजेपी ने इनकेस किया। अब इस बार आपको लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस जो है विपक्षी भूमिका में? अभी देखिए कमेंट आया, वो कह रहे हैं दीपक जी अगर कांग्रेसी होते तो जोर से बोलते कि देखिए हमने करके दिखा दिया, कह रहे आज भी कांग्रेसी वैसे ही चुपचाप बैठे। नहीं नहीं, देखिए सवाल ये कि हम लोग का तो परफॉर्मेंस बोल रहा, आज देखिए परफॉर्मेंस नहीं है तो आज जीत रहे हैं ना, तो बोल कहाँ जीत रहे हैं सर, कहाँ जीत रहे हैं? 5 साल हल्ला ही तो किया। अरे कहाँ किया आप बताइए ना, आप बड़े आंदोलन बताइए, हरियाणा में किया आपने कोई, महाराष्ट्र में किया आपने? आप तो संयुक्त रैली तक नहीं कर पाए। नहीं नहीं, रैली नहीं, ऐसा नहीं, रैली नहीं किया, लोगों को जागरूक तो किया ना। कहाँ किया आपने? क्यों नहीं आ रहा? अरे किस मुद्दे पर जागरूक किया? नहीं, मुद्दे के अध्यक्ष ही मैदान छोड़ के भाग गए। नहीं, अब वही चीज़ है ना, पूर्व अध्यक्ष, माफ करिए आप, ये तो फिर वही हो गया मुद्दे से भटकाने वाली बात कि नहीं हम इश्यूज पे बात नहीं करेंगे, राहुल जी बात करेंगे, सोनिया जी पे बात, इश्यूज पे बात नहीं करेंगे। तो इश्यूज पे आप जनता ने तो क्यों नहीं की बात ना, इश्यूज पे कहाँ बात? आपको दिया होता तो आपको वोट नहीं देती जनता? नहीं, क्यों नहीं दी? आज तो दी ना, आज कहाँ दिया? क्यों नहीं दिया आप लीजिए, मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। आप कहाँ कह रहे हैं कहाँ वोट दिया आपको? NCP 55 पर लीड लिए हुए है, NCP समझ रहे हैं आप सर, शरद पवार वाली पार्टी जिनके साथ आपने एक सहयोगी होने के नाते एक साझा रैली तक नहीं की। कांग्रेस 42 सीटों पर, सर आपके सहयोगी पार्टी आपसे बड़ी है, आपने कहाँ गेन किया? 90 हरियाणा और वहाँ 32 पे खड़े हैं आप। जनता ने जो नई नवेली पार्टी है उसको 10 सीटें देने दी है, आप कह रहे हैं कि हमने गेन कर लिया? नहीं नहीं, देखिए आप सीट बेस अगर देखा जाए तो बढ़ा है ना हमारा ना, जो लास्ट उसमें देखिए जो लास्ट इलेक्शन में था उससे आज बढ़ रहा, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने कुछ मतलब किया? मतलब यही देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं, सीट बेस 2, 4, 6, 10, 20 बढ़ गई, लेकिन आप सरकार तो नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या आप इसीलिए राजनीति कर रहे हैं? अगर इस हिसाब से चलेंगे तो आप 25 साल के बाद जो है सरकार में आएंगे। राजनीति इसलिए नहीं होती है, राजनीति इसलिए होती है कि इंटीग्रेटेड वे में एनालाइज करके जब भी इलेक्शन हो नेक्स्ट इलेक्शन में आप जो है छक्का मार दीजिए, यानी आप चुनाव जीत जाइए और आप जो है सत्ता पे काबिज हो जाइए। एक मिश्रा साहब, एक क्योंकि इस वक्त हम लाइव भी जुड़े हैं और 3 बजे वाले हैं, एक दिलचस्प बात होगी इस पूरे अब तक रुझान जो सामने आ रहे हैं, अभी तक किसी ने EVM पर आरोप नहीं लगाया,
देखिए क्या है, मैं बार बार इस चीज़ को बोलता था, ईवीएम पे आरोप की जब बात होती थी, पक्ष को और विपक्ष को भी मैं बोलता था कि अगर आपको डाउट है तो आप उसको जाकर के प्रॉपर वे में जो तरीका होता है आप उसको करिए। अब यहीं पे कांग्रेस और विपक्षी लोगों को आप बोलिए, सुबह वो लोग लगा रहे थे कि ईवीएम में ऐसे हो रही है, एक हमने डिबेट भी की थी कि वाईफाई वगैरह से जो है छेड़छाड़ किया जा सकता है, तो मैंने बोला कि आप जाकर के सीधे जो एक्शन होना चाहिए आप उसको करिए। लेकिन अब डेफिनेटली सब लोग जीत, ये देखिए क्या है, सब लोग जीत रहे हैं, अभी तक तो सबको उम्मीद है कि भाई हमारी सरकार बन जाएगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब लोग जीत रहे हैं। जब सब लोग जीत रहे हैं तो अब ईवीएम की जय जय होगी, अब कोई आरोप नहीं लगाएगा। ईवीएम ठीक हो गई? नहीं, ईवीएम तो कोई इशू ही नहीं रहा, बड़ा इशू थोड़ी ना था। आप मुझे ये बताइए ना, अगर हम जीत रहे, ईवीएम बड़ा इशू नहीं था? नहीं नहीं, ये कोई सच्ची दीपक जी एकदम कभी ये तो कभी इशू नहीं रहा। नहीं इशू रहा, लेकिन ये बहुत बड़ा, आज के दिन में क्या इशू है, ये आज के दिन में तो इशू नहीं। हम जीत रहे हैं, हम गवर्नमेंट बना रहे हैं तो ठीक है, फिर इसमें से ईवीएम आप क्यों ला? कहाँ गवर्नमेंट बना रहे हैं, दर्शक भी पूछ रहे हैं, कह रहे दीपक जी क्यों मजाक कर रहे हैं। अरे एकदम आप देखिए ना, आप एकदम बना रहे हैं, अगर 32 सीट हमारी है और उन्होंने बोला है दुष्यंत चौटाला जी ने, वो भी तो आ सकते हैं। सर कौन सा गणित है, सर ये कौन सा गणित है जो मैं समझ नहीं पा रहा, दीपक जी जो समझा रहे हैं जी। जल्दी बीजेपी फिर से आगे जा रही है, बीजेपी को हरियाणा में 40 सीट मिल चुकी हैं, वहीं कांग्रेस को 32 सीट पर आ गई है, और जेजेपी की तो 10 है ही, लेकिन बीजेपी बार बार अपनी सीटें बदल रही है, मतलब आगे बढ़ रही है, और अब 40 पर आकर सीट्स का हो चुका है। गणित है जो रुझान है, जो ये साफ तौर पर नतीजे नहीं है, रुझान है, रुझान के हिसाब से बीजेपी 40 सीटों पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है, और लगभग स्थिति जो है वो अब साफ होती हुई दिखाई दे रही है। जल्दी से के मिश्रा साहब, जो दीपक साहब कह रहे हैं कौन सा गणित है जरा समझाइए, ये तो दो सीटों पर भी जो है, एक तरफ वो पार्टी खड़ी है जो दो सीटों पर भी सरकार बना लेती है। वो एक मुहावरा है, मैं उसको नहीं बोलना चाहूँगा, अदरवाइज इसमें है ये, आप खुद डिसाइड करिए आप कहाँ पे जो है अपने आप को स्टैंड करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि जी हम चौथे पांचवें तीसरे नंबर पे होकर के हम सेटिस्फाइड हैं, तो क्या राजनीति आप इसलिए कर रहे हैं? ठीक तरीके से राजनीति करिए, अच्छे तरीके से, अगर किसी भी इंक्लूडिंग बीजेपी में बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने और अच्छे तरीके से मैनेज किया होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। सेम कांग्रेस के ऊपर भी अप्लीकेबल है कि अगर बहुत सीरियस वे में इन्होंने किया होता तो रिजल्ट शायद उनके फेवर में कई जगह पे होता। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, जो इस वक्त स्थिति है, एक तरफ तो आप गोवा में बनी बनाई सरकार को गवा देते हैं, यहाँ पर आपको कैसे उम्मीद है, यहाँ कहाँ उम्मीद दिखती है कि साहब, या ये आपको उम्मीद है कि नहीं हुड्डा कर सकते हैं, और बीजेपी को जहाँ मैनेजमेंट गुरु बैठे हुए हैं, आपको मालूम है अमित शाह ने आज अपना दौरा कैंसिल कर लिया, मालूम है आपको बीजेपी की इस वक्त बैठक चल रही है, मालूम है आपको कि कई निर्दलीय विधायक उनके संपर्क में है, कहाँ उम्मीद है साहब? नहीं चावला जी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो मतलब रिजल्ट जो है सब कुछ डिसाइड करता है, अगर हम जीत रहे हैं तो हम अच्छे हैं, अगर हार रहे हैं तो खराब है कहीं ना कहीं। तो हम मिश्रा जी ने सही बोला कि हमें आज जो पोजीशन है, अगर हम जीतने कगार में, हम मेजॉरिटी मिल रही है, हम अगर सहयोगी दलों से सहयोग लेके बना सकते हैं तो हमें बनाना चाहिए, और जहाँ वीकनेसेस है उस पर जरूर चिंतन करना चाहिए कि हम आगे और अच्छा करें। एक मैसेज भी आ गया, दीपक मैसेज ही आया आपके लिए, वो पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी कहाँ हैं, अमित शाह तो इस वक्त लग गए, राहुल गांधी कहाँ हैं? नहीं देखिए, कोई हमारी पार्टी शुरू से रही है, कोई व्यक्ति विशेष बहुत बड़ा पार्टी से बड़े तो है नहीं राहुल जी, तो राहुल अगर आप ये कहते हैं पार्टी से बड़े राहुल जी नहीं है, कभी कभी कोई नहीं रहा, किसी पार्टी में नहीं रहा सर, हमारी पार्टी में कभी नहीं रहा है कि पार्टी से बड़ा कोई आदमी व्यक्ति हो जाता है। तो आप देखिए ना, अगर उनके, अगर आप कहते हैं नहीं उनके बिना भी अगर जीत रही है, उस पर भी एतराज है आपको, उनके बिना भी तो हम जीते ना, उनके बिना भी तो आज हम जीते ना, तो ऐसा नहीं कि हमने काम नहीं किया, लोगों के एकदम कुछ भी नहीं किया। आप राहुल गांधी की जरूरत नहीं है? नहीं ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप जीत गए, अगर इसे जीत कहते हैं, हाँ अगर गवर्नमेंट बना लेते तो जीत गए। कहाँ गवर्नमेंट बना? बन जाएगी सर, देख कहाँ बनेगी, बन जाएगी आप देखिए सर, बता तो दीजिए कहाँ सीट है, 20 अगर और मिल जाते हैं, 10 अगर वो दुष्यंत जी मिल जाते हैं, और 9 वो हैं निर्दलीय हैं, बीजेपी गोटियां खेलेगी। नहीं अब बीजेपी को नकार दिया ना, बीजेपी को तो नकार ही दिया ना, आप देखिए ना दोनों जगह नकारा है ना। कहाँ, वो तो कह रहे हम सरकार बनाएंगे, बचा लेंगे आप, एकदम बना रहे हैं, बचाने की बात जो बना रहे हैं। चलिए उम्मीद है आपको, फाइनल कमेंट ए के मिश्रा, फिर ब्रेक ले रहा हूँ। देखिए ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो लोग भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, नेताओं के लिए जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, आप जैसे हमारे जैसे लोग, और एक सबक लेना चाहिए, और किसी भी पार्टी को हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि वो अजेय है, और हर माइक्रो लेवल की चीज़ों को भी कंसीडर करना चाहिए। जो हम लोगों ने कल, अगर किसी को डिटेल में देखना है तो कल की वो डिबेट देखे जो आपके साथ हम लोगों ने एनालिसिस की थी, कि एक बहुत माइक्रो एलिमेंट था जिस चीज़ को हम लोगों ने पकड़ा था, और वो चीज़ें आज यहाँ पे सच साबित हो रही हैं। बिल्कुल, ए के मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जो कल की इन्होंने बात कही
उसका भी जिक्र हम कर लेते हैं क्योंकि जल्दी से हम ब्रेक ले रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे एक और गेस्ट मेहमान जुड़ने वाले हैं। लेकिन चलते चलते जल्दी से दीपेंद्र हुड्डा का वोट की गिनती को लेकर गड़बड़ी का आरोप आया है। 90 सीटों पर बीजेपी जो है इस वक्त रुझान में आगे चल रही है हरियाणा में, महाराष्ट्र में बीजेपी प्लस दिखाई दे रही है। लेकिन जो फॉर्मूला, जिस गणित का जिक्र यहां पर एके मिश्रा कर रहे थे, शायद हो सकता है कि कुछ ही घंटों के बाद वो स्थिति शिवसेना साफ कर दे, जहां पर सीधे तौर पर वो ये कहे कि भैया अब 50-50 का फॉर्मूला, लेकिन 50-50 के फॉर्मूले पर पहला हक हमारा, पहले ढाई साल हमारे मुख्यमंत्री होंगे आदित्य ठाकरे, इससे नीचे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। जरा रिजल्ट क्लियर हो जाने दीजिए, दे आर जस्ट वेटिंग कि इलेक्शन कमीशन से ऑफिशियली उनके वो मजबूती पा जाए, नंबर गेम्स उनके फेवर में आ जाए, फिर शिवसेना को कोई पकड़ मतलब कोई रोक नहीं पाएगा सर। ठीक, एक छोटा सा यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक लेने के साथ साथ यहाँ पर आपको बता दें कि इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, चाय पर चर्चा नहीं बल्कि चाय पर चर्चा के दौरान देश के मिजाज की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश सुबह से नॉनस्टॉप कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। बहुत बहुत शुक्रिया एके मिश्रा आपका और दीपक आपका भी, और लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं।